हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ई साथी यानी कि नागरिक सेवा पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र कैसे आप ऑनलाइन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसकी आईडी कैसे जनरेट की जाती है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक कर आप अपना जो ई साथी यानी कि ई डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है वो फ्री में आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आय प्रमाण पत्र कैसे आप ऑनलाइन करेंगे। सबसे पहले आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको आय प्रमाण पत्र का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिसका भी आय प्रमाण पत्र बनाना है उसका यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है कि अब आप अगर आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र या निवास बनवाते हैं तो यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर मेंशन होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ये कैप्चर आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है, एंटरमेंट कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आप देखेंगे आपका जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके लास्ट के 4 डिजिट शो हो जाएंगे और इस नंबर पर आपकी एक OTP गई है, उस OTP को इसमें फिल कर देना है एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपका जो आय प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर आप नगरी शहर में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है। आपके आधार कार्ड से आपका नाम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। यहाँ पर आपके पिता हैं या पति हैं, संरक्षक का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम पति का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पिता हैं तो आपको पिता का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने पति का नाम फिल कर देना है और यहाँ पर आपको माता का नाम फिल कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी मकान संख्या फिल कर देनी है, जो भी मकान संख्या हो। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपका मोहल्ला व पोस्ट इसमें फिल करना है। आपका जो जनपद हो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आप तहसील अपनी सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी तहसील हो। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है सर्च करके। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है एंड यहाँ पर आपको उपरोक्त वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जितना भी डिटेल्स होगी आपके एड्रेस की वो सारी शो हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप एड्रेस अपना कंप्लीट फिर से फिल करना चाहते हैं तो इसमें आप क्लिक कर अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर सकते हैं दोबारा से। यहाँ पर आप देखेंगे व्यवसाय भरें, इस पर आपको अपना काम फिल कर देना है कि आप काम क्या करते हैं, जैसे कि आप गृहिणी हैं, विद्यार्थी हैं या कृषि हैं, जो भी हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपने परिवार में कितने लोग हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद में आप देखेंगे जैसे ही आप अपने परिवार में जितने लोग हैं वो बताएंगे यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर आपके सामने परिवार के सदस्यों के नाम के कॉलम आ जाएंगे। यहाँ पर 2 लोगों को हमने सेलेक्ट किया है तो 2 कॉलम हमारे पास आ चुके हैं। पहले कॉलम में आपको अपने सदस्य का नाम लिखना है, जैसे कि आपके पति हैं, पिता हैं या बेटा है, उसका नाम फिल करेंगे। उसके बाद में वो काम क्या करता है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यहाँ पर उसकी वार्षिक आय कितनी है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। एक एक करके जितने भी आपके घर में परिवार में सदस्य हों उनका सबकी डिटेल यहाँ पर फिल कर देना है एंड यहाँ पर आप देखेंगे आपको अन्य स्रोतों में आय रुपयों में यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जितनी आपकी वार्षिक आय हो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। वार्षिक आय जैसे ही फिल करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे परिवार की कुल वार्षिक आय यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि इसके पूर्व आपने कभी भी अपना आय प्रमाण पत्र बनवाया था, अगर बनवाया है तो हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वरना आप नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप इसको बनवाने जा रहे हैं, इसका भुगतान आपने किया है, तो हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम इसका भुगतान फौरन ही यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आपके पास राशन कार्ड होगी तो यहाँ पर राशन कार्ड संख्या ऑटोमेटिक आ जाता है, अगर राशन कार्ड नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी राशन कार्ड संख्या नहीं होती है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आपको लिखना है, विकल्प चुनने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप छात्रवृत्ति के लिए कर रहे हैं या किसी संस्थान में प्रवेश हेतु कर रहे हैं या फिर अन्य वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना रीजन बताना है कि किस कारण के लिए हम अपना जो आय प्रमाण पत्र है उसे बनवाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको संकलन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आपको डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता है, जैसे कि फोटो, एक घोषणा पत्र होता है और एक राशन कार्ड की छायाप्रति आपको देना है। अगर आपके पास राशन कार्ड है उसे यहाँ पर आपको अपलोड करने की आवश्यकता होती है या फिर आप अन्य वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसमें 2 डॉक्यूमेंट आप बाहर से भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप फोटो नहीं अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो जो आधार कार्ड में आपके फोटो होगा वो यहाँ पर मेंशन होकर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने हैं तो टिक करें, इस पर आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड का जो फोटो होगा वो अपलोड हो जाएगा।
ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फोटो अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से आपको घोषणा पत्र भी अपलोड कर लेना है। घोषणा पत्र को सेलेक्ट करेंगे एंड ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी घोषणा पत्र हो उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप देखेंगे आपका घोषणा पत्र भी अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ अन्य वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको बताना है कि आप डॉक्यूमेंट कौन से यहाँ पर अपलोड करने जा रहे हैं। जैसे कि हम अन्य वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर देने जा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पिता या पति का आधार देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है पति का आधार और यहाँ चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पति के आधार को सेलेक्ट करेंगे एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पति का आधार भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से आप एक खुद का आधार यहाँ पर अपलोड करना है, ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसी तरीके से आपको अपने अपना भी आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड करेंगे आपको एक बार पूरा फॉर्म को चेकआउट कर लेना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर तो आपको दर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दर्ज करें वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आवेदन पत्र में जितनी भी डिटेल्स आपने फिल की थी वो यहाँ पर सारी शो हो जाती हैं। आपको एक बार इसको चेकआउट कर लेना है क्योंकि इसके बाद में यहाँ पर कोई भी करेक्शन नहीं होने वाला है। जैसे कि आपकी आवेदन संख्या आपको शो हो जाएगी, इसको आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी आवेदन संख्या, प्रार्थी का नाम, पति का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं यहाँ सारे शो हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर प्रिंट करके इसको प्रिंट आउट भी निकाल लेना है। अगर इसका प्रिंट आउट नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान करें यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI के द्वारा यहाँ पेमेंट कर देना है। तो हम QR कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यानी यहाँ पर भीम UPI को सेलेक्ट करेंगे, मैक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसको आप मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा आप होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर सेवा शुल्क वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक रसीद आ जाती है। यह रसीद आपकी आपने आवेदन किया है उसकी है। यहाँ पर आप आवेदन संख्या देख सकते हैं, आवेदन तिथि देख सकते हैं और यहाँ पर आप सेवा का नाम देख सकते हैं। आपका नाम आएगा, आपके पिता या पति का नाम आएगा। यहाँ पर जितना भी शुल्क कटा होगा यहाँ पर शो हो जाएगा और ये जो फार्म है कितने दिन में आपका कंप्लीट होना है यहाँ पर आपको टाइम भी दे दिया जाता है कि आप देख सकते हैं 15 दिवस के अंदर यहाँ पर ये सारा काम होना है। अगर ये पहले से आपको चेक करना है, इसका स्टेटस चेक करना है, तो आपको आवेदन संख्या को कॉपी कर लेना है एंड कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसमें आपको ई डिस्ट्रिक्ट लिख कर सर्च कर देना है। सबसे फर्स्ट वाली लिंक आपकी ई डिस्ट्रिक्ट की होती है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर आवेदन की स्थिति का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ इंटर एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इसमें आपको उस एप्लीकेशन नंबर को फिल कर देना है एंड सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ से विवरण देख सकते हैं कि आपका जो आय प्रमाण था या जाति प्रमाण पत्र था वो कहाँ तक पहुँच चुका है, उसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँच चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से इसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।